गोविंद सिंह डोटासरा धन्यवाद पहुंचे और कांग्रेस चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, साथ ही कार्यालयों को संबोधित भी किया। इसके बाद डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों सीटों पर स्पष्ट बहुमत के साथ जीत का दावा भी किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर इशारा साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा अंतरकला और मुख्यमंत्री पद की लड़ाई में उलझी हुई है और विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का बखान भी किया है। राजस्थान में जो दुर्गति हो रही है, मैं समझता हूँ कि राजनीति के इतिहास में अब तक इतनी बड़ी दुर्गति नहीं है। आप बताइए, वसुंधरा राजे जी को ये पूछ नहीं रहे। वसुंधरा राजे जी भेंडर साहब को चुनाव टिकट दिलाना चाहती थी, उसको देने नहीं दिया। गुलाब चंद कटारिया जी जिसको टिकट दिलाना चाहते थे, वो गुलाब चंद कटारिया जी को टिकट देने नहीं दिया। तो ये टिकटें बांट कौन रहा है, ये समझ के बाहर की बात है। मैं समझता हूँ कि जो बीजेपी का प्रधान है उनका, उसको वो लोग बाग टिकट नहीं दे रहे, यानी वो नकारा हो गया। पहले जो एमएलए था उसका बेटा था, वो उनके लिए नकारा हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और जो प्रतिपक्ष की भूमिका उसको निभानी चाहिए, वो अच्छे तरीके से नहीं निभा पा रहा है। क्योंकि जब आप